आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस बर्तन में खाना बनाना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। ये वीडियो हर पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को करिएगा जमकर शेयर, क्योंकि आजकल ये सब प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। हेल्थ इश्यू बहुत लोगों को रहते हैं, बीमारियां बहुत लगी हुई हैं, तो ऐसे में हमें जानना बहुत जरूरी है कि जिस बर्तन में हम खाना पका रहे हैं वो बर्तन हमारे लिए सही है या नहीं। आयुर्वेद में रसोई घर को अच्छे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी माना जाता है। यहाँ भोजन में इस्तेमाल किए जाने वाले मसालों से लेकर बर्तन तक हेल्थ का कारक है। पुराने समय में लोग भोजन पकाने व खाने के लिए लकड़ी, मिट्टी, तांबे जैसे बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बदलते समय के साथ इनकी जगह एल्युमिनियम, स्टील और लोहे ने ले ली। तो चलिए आज हम जानते हैं इससे क्या आपको फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान। तांबे के बर्तन। तांबे के बर्तन में पानी पीना बेहद फायदेमंद होता है, लेकिन आप इसमें भोजन पका या खा भी सकते हैं, मगर इसमें खट्टी चीजें खाने से बचें, क्योंकि अगर आप खट्टी चीजें तांबे के बर्तन में पकाएंगे तो इससे आपको कब्ज और पेट की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आपकी पाचन क्रिया स्लो हो जाएगी और आपके बाल, आपकी स्किन समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। एल्युमिनियम के बर्तन। इन बर्तनों में खाना बनाने से इसमें एल्युमिनियम की कुछ मात्रा मिल जाती है, जिससे अल्जाइमर, पेट से जुड़े रोग, हड्डियों की कमजोरी आदि सारी परेशानियां हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खाने से बचें। स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल तो हर घर में किया जाता है। बता देते हैं कि स्टील के बर्तन किसी भी चीज के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, ये शरीर के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसका कोई नुकसान भी नहीं है। लोहे के बर्तन। लोहे के बर्तन में भोजन खाना तो नहीं, लेकिन पकाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ये खट्टे या एसिड वाले फूड्स के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जो सेहत के लिए सही नहीं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप लोहे के बर्तन में कड़ी, सांबर या टमाटर वाली कोई भी खट्टी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आपके शरीर को बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। इसके अलावा इसमें ज्यादा देर तक पानी भी स्टोर करके ना रखें। मिट्टी के बर्तनों में भोजन खाना ही नहीं बल्कि पकाना भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें भोजन पकाने से शरीर को बहुत से पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे आप बीमारियों से बचे रहते हैं। वहीं मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से ये खाने में मौजूद एसिड के साथ क्रिया कर देते हैं और पीएच को कंट्रोल करते हैं। ये शरीर में एसिडिक कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं, जिससे कैंसर का खतरा बहुत कम हो जाता है। और मिट्टी के बर्तन में अगर आप खाना खाते हैं तो आपको घुटनों का दर्द, सूजन या आपके शरीर में कभी भी एसिडिटी की समस्या नहीं उत्पन्न होती। पीतल के बर्तन। इसमें भोजन पकाना भी सेहत के लिए फायदेमंद है। आयुर्वेद के अनुसार पीतल के बर्तन में खाना खाने से कृमिक रोग, कफ और वायु दोष की बीमारी नहीं होती, साथ ही इससे शरीर को कई पोषक तत्व मिलते हैं। लकड़ी के बर्तन। पुराने समय में भोजन पकाने के लिए लोग लकड़ी के बर्तन भी यूज करते थे। अगर आप इसमें खाना नहीं बना सकते हो तो इसे भोजन परोसने के लिए यूज करें। आप चाहें तो विजय सार की लकड़ी में पानी पी सकते हैं, इससे भी आपको सेहत में बहुत लाभ मिलेगा। ये एक मिक्स धातु है जो लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकल मिलाकर बनाई जाती है। इसमें खाना पकाने या बनाने में सेहत को कोई नुकसान नहीं होता। इन बर्तनों का तापमान बहुत जल्दी बढ़ता है। नॉनस्टिक, जो बहुत ट्रेंडी है। नॉनस्टिक का मतलब है ना चिपकने वाला। ऐसे बर्तन जिसमें खाना चिपकता नहीं है और पकाने के लिए अधिक तेल या घी की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन बर्तनों को ज्यादा गर्म या खरोच ना लगाएं। इनमें ऐसे केमिकल निकलते हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आपने जाना कि कौन से बर्तन आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं और कौन से नुकसानदायक। तो इस वीडियो के जरिए आपको भी पता चल गया होगा कि आपको अपने घर के लिए, अपने किचन के लिए कौन से बर्तनों का चुनाव करना चाहिए। तो ऐसे ही अपना हमेशा ख्याल रखें। मैं हमेशा आपके लिए कुछ नया और बेहतरीन लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।